क्वेश्चन नंबर एक, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रवर्धीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथेनोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स तथा हेमिनिडी। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपघटक कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपोषक। रिट्रो विषाणु यानी रिट्रो वायरस निम्नलिखित किस विषाणु किस बीमारी का रोगजनक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PBR322। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DTP। किस जन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोडर्म। ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। TI प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेशियंस। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AUG/GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलचट्टी चट्टान। पुनर्योजक डीएनए टीके क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निपेंथिस। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोम। निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिब्रोइन। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAA-TTC निम्नांकित किसका रेकोग्निशन साइट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ECO-RI। टर्नर सिंड्रोम
में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंडाशय में। आरएनए के आधार अनुक्रम ए यू सी जी सी सी यू जी ए का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्विया में। पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा होता है? ये जो अंग है कैसा अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइट। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी कोशिकाएं। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहित मल जल प्रदूषण। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि 5.5 के आसपास जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के असंतत द्विगुणन में। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुअलीलन, बहुअलील होता है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर 2020 में जो बायोलॉजी का हुआ था बीएससीबी बोर्ड द्वारा, उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद।